आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात ममता बनर्जी के ऐलाने जंग की, 291 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए आज सबसे ज्यादा चर्चा उनके तेवरों की हो रही है, उनके सियासी साहस की हो रही है। जिस अंदाज में, जिस तेवर के साथ आज ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है जंग का, लगता है कि बस यही कहना चाह रही है, अपने विरोधियों को रोक सको तो रोक लो। बंगाल के सबसे बड़े सियासी युद्ध का शंखनाद आज ममता बनर्जी ने इन तस्वीरों के साथ कर दिया। अपनी सेना को पूरे दमखम के साथ ममता ने सियासी युद्ध के मैदान में उतार दिया, लेकिन इस महाभारत का कुरुक्षेत्र नंदीग्राम होगा। वही युद्ध भूमि जहां से ममता की हुंकार सुनाई दे रही है, वही भूमि जो बंगाल चुनाव का केंद्र बिंदु है। इसी भिड़ंत के लिए ममता की मोर्चाबंदी पूरी हो चुकी है, सियासी किले पर सेना की तैनाती हो चुकी है, लेकिन बीजेपी बंगाल की सियासी महाभारत में अभी ममता की सेना के दमखम का आकलन करने में जुटी है। ममता की लिस्ट आ गई है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट अभी आनी बाकी है। नंदीग्राम से क्यों चुनाव लड़ रही ममता? ममता का नंदीग्राम कार्ड जीत की गारंटी, ममता की हैट्रिक या फिर हार का चांस है? कौन जीतेगा सियासी बाजी, ममता या मोदी? नंदीग्राम के कुरुक्षेत्र में ममता की महाभारत। ये अंदाजे ममता बनर्जी है। हम आपको बताएंगे 291 उम्मीदवारों की जो सूची है उसके आगे की हेडलाइन। नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरना ममता बनर्जी के बारे में आखिर क्या बताता है, उनके सैलाने जंग के बारे में? वो बताता है कि बोल्ड फैसले ले सकती हैं, मुश्किल वक्त में खुद को आजमाने के लिए वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं एक नई जगह से, नंदीग्राम से। पिछली बार भवानीपुर से लड़ी थी, लेकिन क्या इस टेस्ट में वो मोदी के सामने पास होंगे? देखिए, ममता का एक दांव और सियासत की बिसात पर चली जा रही हर चाल के मायने बदल गए। संदेश बीजेपी के लिए सीधा और स्पष्ट, मोदी सेना से ममता अपने दम पर लड़ेंगी और जंग आर पार की होगी। सबसे बड़ी लड़ाई उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ेंगी जहां उनका सियासी सफर परवान चढ़ा, उसी नंदीग्राम से जहां ममता बनर्जी को सियासी पहचान मिली, जहां से लोगों का दिल जीता, विश्वास जीता, जहां से वाम दल की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खाकर ममता ने सियासी जमीन तैयार की। वही नंदीग्राम जो ममता बनर्जी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और जिस धरती की मिट्टी ने ममता को मुकद्दर का सिकंदर बना दिया, वही नंदीग्राम ममता की सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। अपने सियासी सफर में ममता बनर्जी सबसे मुश्किल चुनाव लड़ने जा रही हैं और कठिन वक्त में भरोसे की तलाश ममता को एक बार फिर नंदीग्राम ले आई। ममता ने सियासत में बड़ी लकीर खींच दी जिसे पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ममता ने सिर्फ एक सीट यानी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर एक तीर से कई सियासी दांव चल दिए। इसे यूं समझिए, एक निर्णय से ममता ने पांच बड़े संदेश क्या दिए। सबसे बड़ा सियासी साहस, हार जीत का डर नहीं, नंदीग्राम पर अटूट विश्वास, वर्कर्स का मनोबल बढ़ाया, बीजेपी पर दबाव बनाया। सियासी महाभारत में ममता के इस दांव से विरोधी सेना पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा। इस दांव से ममता ने अपनी लाइन क्लियर कर दी, ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन ममता ने एक सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करके सबसे बड़ा जोखिम उठाया है जो लाभ और हानि दोनों फल दे सकता है। बंगाल की लड़ाई अहम क्यों है, आपको ये बता दें, मोदी शाह से सीधी टक्कर है, मोदी लहर पर रोक लगाना है, जीत के मायने बहुत बड़े होंगे, हैट्रिक लगाने का बड़ा मौका है, विचारधारा पर वोट की मोहर है, सेक्युलर इमेज मजबूत होगी, विपक्ष का ऑल इंडिया चेहरा बन सकती है, 2024 में भी बड़ा रोल निभाना है। सियासी लड़ाई बंगाल में लड़ी जा रही है, कुरुक्षेत्र नंदीग्राम है, लेकिन इस युद्ध में आम आदमी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी से लेकर शिवसेना तक ममता को खुला सपोर्ट दे रहे हैं। ममता के लिए ये लड़ाई करो या मरो जैसी है, ऐसे में वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते वक्त ममता ने कुछ पुरानी परंपरा को अपनाया, छोटे रूम से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। छोटे रूम को ममता बनर्जी बहुत लकी मानती हैं। 2011 और 16 में इसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिली। 2019 में इस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, टीएमसी को तब 42 सीट में सिर्फ 18 सीट मिली थी।
ममता बनर्जी ने आज अपने उसी लकी रूम से कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की जहां से उन्होंने 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी। दरअसल ये काफ़ी छोटा कमरा है और मीडिया इसमें पूरी तरह समा भी नहीं पाता है, लेकिन 2019 में जो कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी वो एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से की थी, लेकिन जो नतीजे उस वक्त आए वो ममता बनर्जी के अनुरूप नहीं थे। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 2021 विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा करने के लिए उसी लकी रूम को चुना। टीएमसी की तरफ से 291 उम्मीदवारों की लिस्ट ममता ने इसी कमरे से जारी कर दी। ममता ने बता दिया कि भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी। अब विरोधी सेना ममता के इस फैसले की अपने अंदाज में व्याख्या करती दिखती है। सर, देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा, कब से वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। बीजेपी ने ममता पर भवानीपुर को लेकर वार किया, लेकिन अब तक नंदीग्राम में ममता के खिलाफ शुभेंदु लड़ेंगे इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया। यानी नंदीग्राम के कुरुक्षेत्र में ममता को मोदी की सेना में कौन टक्कर देगा ये तय नहीं है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। गौर से देखिए, ममता बनर्जी को 291 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक एक नाम, जैसे ममता बनर्जी की पूरी रणनीति की पटकथा है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को और उस पर बहुत बारीकी से अपनी तरीके से उसको समझा और उस पर अपना होमवर्क किया। उसके बाद उन्होंने जो सियासी समीकरण है उसको साधा। पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद देखिए कैसे उन आरोपों को टारगेट कर रही हैं जो अब तक बीजेपी उन पर लगाती रही है। एंटी हिंदू, ये जो छवि उनकी बनाई गई थी, इस लिस्ट से उसे काटने की कोशिश है। देखिए इस रिपोर्ट। चुनावी अखाड़े में ममता बनर्जी ने अपने सियासी पत्ते खोलकर बीजेपी की रणनीति पर 20 पड़ने का दाव चल दिया। ऐसा क्यों? आप पहले बंगाल चुनाव के मुद्दों को समझिए। बंगाल चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? जय श्री राम का नारा, बंगाली अस्मिता, मुस्लिम तुष्टिकरण, बंगाल की बेटी, बुआ भतीजा, कटमनी, सीए, ओवैसी और अब्बास। बंगाल की सियासी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की, लेकिन दो किरदारों यानी ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से ये त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में ममता ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट से चुनावी संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। यानी ध्रुवीकरण पर वार, सीए का तोड़, दलित वोटरों से अपील, आधी आबादी पर नजर, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन। बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण के आरोप लगाकर हमला बोलती है, ममता को एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन ममता ने एक तीर से दो शिकार कर दिया, यानी एंटी हिंदू के आरोप और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से निपटने की रणनीति बनाई। सबसे पहले ममता बनर्जी को सुनिए। সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে, এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন রোড সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি, আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাইওয়াক হচ্ছে। सुना आपने, ममता बनर्जी मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात कह रही हैं। वहीं इस बार टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट से ममता ने बड़ा मैसेज दिया है। टीएमसी ने सिर्फ 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। पिछले चुनाव यानी 2016 में 56 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। 2016 में ममता के 32 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। जिस वक्त ममता बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, ठीक उसी वक्त ममता ने उम्मीदवारों की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट की संख्या को घटा दिया, ताकि चुनाव में हिंदू मुसलमान वाले नैरेटिव को तोड़ा जा सके। वहीं सीए का मुद्दा उठाकर बीजेपी बार बार ममता बनर्जी को घेरती है। अमित शाह से लेकर नड्डा तक मतुआ समाज के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। 2019 में बीजेपी को 57% हिंदुओं का वोट मिला था। इस वोट शेयर में बड़ा हिस्सा मतुआ समाज का है, जिसमें बीजेपी सीए की तरह नागरिकता देने की बात कहती है। 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है,
कुछ होगा नहीं, देंगे देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने बड़ा दाव इस बार खेल दिया। 291 उम्मीदवारों में 79 एससी जबकि 17 एसटी उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के आक्रामक प्रचार को देखते हुए ममता ने चुनावी लड़ाई को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। दीदी अब बेटी के अवतार में आ गई, यही वजह है कि इस बार 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। তার আগে বলি এই 291টা সিটের মধ্যে তিনটে তো পাহাড়ে আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন। संतुलन स्थापित करने के लिए ममता ने चुनावी रणनीति बदली है, तो क्या ये रणनीति टीएमसी की वापसी का रास्ता खोल देगी? अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। एक बात तो तय है, अगर बंगाल जीतना है तो दक्षिण बंगाल में बीजेपी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो अभेद्य किला है। अगर इतने वर्षों से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज है तो दक्षिण बंगाल उनकी ताकत है, और यही वजह है कि 2019 में भी मोदी लहर उस किले को नहीं भेद सकी जो दक्षिण बंगाल में ममता का बना हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐलाने जंग कर दिया, मोर्चा संभाल लिया, और सबसे बड़ी खबर यही है कि 10 मार्च को नंदीग्राम से ममता भरेंगी जीत की हुंकार। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन भरेंगी। 11 मार्च को ममता नंदीग्राम में चुनावी प्रचार करेंगी। यहां आपको ये समझना है कि ममता के ऐलाने जंग में आगे की रणनीति क्या होगी। इसे समझने के पहले हम आपको ममता बनर्जी की सियासी ताकत के बारे में बताते हैं। टीएमसी की ताकत, ममता बनर्जी का चेहरा, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी लहर को रोका, हर बूथ पर वर्कर, सेकुलर चेहरा, आक्रामक प्रचार, मुस्लिम वोटरों की पसंद, वोटरों पर जमीनी पकड़, टीएमसी की कमजोरी, सत्ता विरोधी लहर, हिंसा के आरोप, मुस्लिम तुष्टिकरण, पार्टी के अंदर फूट, नेताओं का दल छोड़ना, परिवारवाद के आरोप, भतीजे की कार्यशैली। बंगाल की सियासत में आज ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा कोई दूसरा नहीं। ममता की राजनीति का अपना अलग अंदाज है। 2019 के नतीजों को लेकर उत्साहित बीजेपी बंगाल में बड़े उलटफेर की आस लगाए हुए है, लेकिन आंकड़ों को जीत और हार के तराजू पर रखें तो पलड़ा ममता का भारी नहीं आता है। आम चुनाव में टीएमसी ने 42 सीट में से 22 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 18 सीट। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 43.3% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 40%। 294 संसदीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए किसी पार्टी को 148 सीटों की जरूरत होती है, और 2019 के नतीजे बताते हैं कि टीएमसी की हैट्रिक का चांस पूरा है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता की सियासी गणित क्या है? चुनावी मशीनरी को सीधी चुनौती दे रही ममता के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के गढ़ में जाने वाले 9 जिलों के सियासी समीकरण समझने होंगे, वही 9 जिले जो ममता बनर्जी का भाग्य तय कर देंगे। 294 विधानसभा सीटों में 178 सीटें दक्षिण बंगाल के 9 जिलों में है। नंबर 1 नदिया, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। नंबर 2 उत्तरी 24 परगना, कुल 33 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 27 सीट जीती। नंबर 3 हावड़ा, कुल 16 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 15 सीट जीती। नंबर 4 हुगली, कुल 18 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 16 सीट जीती। नंबर 5 कोलकाता, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 11 सीट जीती। नंबर 6 दक्षिण 24 परगना, कुल 31 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 29 सीट जीती। नंबर 7 वर्धमान, कुल 25 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 19 सीट जीती। नंबर 8 बीरभूम, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 9 सीट जीती। नंबर 9 पूर्वी मिदनापुर, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। टीएमसी ने 2016 में 211 सीटें जीती थी,
जिनमें से 152 सीटें सिर्फ दक्षिण बंगाल से जीती। यहां आपको यह भी याद रखना है कि 2016 में ममता का भेद दिखला रहा दक्षिण बंगाल 2019 में मोदी की लहर के बावजूद नहीं ढहा। ममता ने लोकसभा की कुल 22 सीटें जीती, जिसमें 19 सीटें 9 जिलों की जनता ने ममता की झोली में डाला। दक्षिण बंगाल के इसी किले को जीतने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को जिम्मा सौंपा है, यानी इस इलाके में शुभेंदु के भरोसे बीजेपी ए बार बांग्ला का सपना देख रही है। अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। शुभेंदु अधिकारी के होने से बीजेपी को पूर्वी मिदनापुर समेत दक्षिण बंगाल में बड़ी जीत का भरोसा है, लेकिन इसी दक्षिण बंगाल में ममता के किले को जीतना टीम मोदी के लिए भी आसान नहीं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। बड़ी चुनौती तो है, लेकिन क्या है, क्या ममता बनर्जी की राह में सिर्फ रोड़े ही रोड़े हैं या फूल भी हैं? सब है, दिखाते इस रिपोर्ट में। ये चुनाव लेकिन 2016 से बिल्कुल अलग है। ममता की इस हुंकार से बंगाल का सियासी पारा और चढ़ गया। 2 मई को बंगाल के भाग्य का फैसला दुनिया के सामने होगा, लेकिन मतदान से पहले ममता ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2016 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी के लिए 2021 के हालात अलग हैं। उनके सामने तीन बड़ी चुनौती हैं। चुनौती नंबर 1 सत्ता विरोधी लहर, चुनौती नंबर 2 बीजेपी का आक्रामक प्रचार, चुनौती नंबर 3 मुस्लिम वोट बैंक। विरोधी लहर भी एक फैक्टर होता है, ऐसे में 2021 में ममता के लिए तीसरी बार लगातार जीतना एक चुनौती है। वहीं बीजेपी की तरफ से बंगाल में आक्रामक प्रचार से माहौल बदलने की कोशिश है। टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे में बीजेपी की चुनावी मशीनरी के सामने अकेले दम पर चुनाव लड़ना एक चुनौती है। तीसरी चुनौती है पुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी का बंगाल के चुनाव में ताल ठोकना। ममता के खिलाफ ये चेहरे मुस्लिम वोट में विभाजन करवा सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, यानी इस चुनाव ममता को इन चुनौतियों से पार पाना होगा। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़े स्कॉर्पियो का रहस्य गहराता जा रहा है। उसके मालिक मनसुख हिरेन की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। रहस्यमय हालात में ये मौत हुई है, और आपको बता दें अब ATS इसकी जांच करेगी। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। मनसुख हिरेन की मौत की जांच अब ATS को सौंप दी गई है। ये जो स्कॉर्पियो की तस्वीर है, इसमें जेलेटिन मिलने की वजह से, और ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर उस दिन पार्क थी, इसी को लेकर बवाल मचा था, लेकिन आज ही उनकी मौत की खबर के बाद से कई सवाल खड़े हुए हैं। रहस्य गहरा गया है, और अब सवाल ये है कि आखिर किसने, क्या ये हत्या है? जो भी है, अब जांच होगी, ATS ये जांच करेगी। और हम आपको ये भी बता, मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज ही विधानसभा में ये पूरा मुद्दा उठाया था और कहा था कि मनसुख हिरेन को सुरक्षा मिलनी चाहिए और इसकी जांच NIA द्वारा करानी चाहिए। और देखिए, आज ही शाम में खबर आई कि मनसुख हिरेन की मौत हो गई। इस लाश को हम हूबहू आपको नहीं दिखा सकते। मुंबई के कलवा इलाके में पानी और कीचड़ में मिली ये लाश देखकर मुंबई पुलिस हैरान हो गई है, जबकि देश और प्रदेश की एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल ये लाश है मनसुख हिरेन की, वही मनसुख हिरेन जिनके नाम से रजिस्टर्ड स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास संदिग्ध रूप से खड़ी मिली थी स्कॉर्पियो। पुलिस ने जब इस स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो इसमें से जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई थी। इस गाड़ी में एक चिट्ठी भी मिली थी, इसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने की खबर से हड़कंप मच गया था। इस कार को किसने अंबानी के घर के पास पार्क किया था, पुलिस अभी तक इसका पता लगाने में नाकाम रही है। पुलिस ने एंटीलिया के पास लगे CCTV कैमरों में कैद उस शख्स की तस्वीरों को पहचानने की कोशिश भी की, लेकिन उस शख्स के मास्क में होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने जब इस कार के मालिक की तलाश की तो पता लगा ये कार ठाणे में रहने वाले मनसुख हिरेन की थी। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी विक्रोली इलाके से कुछ दिन पहले ही चोरी हो गई थी।
का स्टेयरिंग जाम हो गया था, तो मुलुंड का जो ब्रिज है एरोली जो लेफ्ट जाता है उसको आगे क्रॉस करके लेफ्ट साइड में लगाया था, जाम हो गया था स्टेयरिंग का। तो आपने क्या क्या कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? कंप्लेंट दिया था आपने? कंप्लेंट तो दूसरे दिन देखा गाड़ी नहीं थी, फिर कंप्लेंट कराया, सब जगह ढूंढा, फिर कंप्लेंट कराया। आपको जो मालूम पड़ा कि गाड़ी यहाँ पे ऐसे ही खड़ी की गई है, उसमें ऐसी चीजें मिली हुई है, तब आपने क्या किसे संपर्क किया? नहीं कुछ नहीं, वो कल शाम को ही पता चला मेरे को, उसके साथ तो सबके साथ में ही हूँ। इस मामले के हफ्ते भर बाद मनसुख हिरेन की मौत की खबर आई। मनसुख हिरेन की हत्या हुई या उन्होंने खुदकुशी की, पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। Once the postmortem report comes, investigation into the matter of the death will proceed ahead and we will come to know things. मनसुख हिरेन की मौत के कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के भीतर इस केस की जांच कर रहे अधिकारी सचिन वाजे पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने मनसुख हिरेन को सुरक्षा देने की बात भी कही थी। मैंने हाउस में जिस समय एनआईए को यह हैंडओवर किया जाए ऐसी मांग की, उस समय मैंने यह आशंका जाहिर की कि ये जो मनसुख हिरेन है, ये मनसुख हिरेन को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये इसमें की सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी जान को खतरा हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एंटीलिया के पास डराने वाले आतंकी मामले में घटनाओं की सीरीज बहुत ही चौंकाने वाली है, इससे बहुत गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं। हम इसमें तत्काल एनआईए की जांच की मांग करते हैं कि आज अभी कुछ समय पहले उनकी डेड बॉडी मिली है मुमरा के एरिया में, ये डेड बॉडी मिली है, इससे ये पूरा प्रकरण बहुत ज्यादा फिशी हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही आशंका जताई थी कि मनसुख हिरेन की जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद पुलिस को मनसुख हिरेन की लाश मिल गई। सवाल ये है कि क्या अब सरकार इसकी जांच एनआईए को सौंपेगी? मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो का रहस्य अब और भी गहरा होता जा रहा है। मनसुख हिरेन ने जब ये साफ किया था कि उनकी गाड़ी पहले ही चोरी हो गई थी, इसके बाद संदिग्ध हालात में उनकी मौत कई सवाल खड़े कर रही है। हिरेन मनसुख वो शख्स हैं जिनकी गाड़ी में जिलेटिन स्टिक्स मिले थे, वो भी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर। उस पूरे मामले की जांच पड़ताल में हिरेन मनसुख एक अहम कड़ी थे, लेकिन इस तरह से उनका गुजर जाना इस पूरे मामले को और पेचीदा बना देता है। वहीं उनका परिवार किसी अनहोनी की तरफ जरूर इशारा कर रहा है, तो थाने पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। कैमरामैन विजय देसाई और विक्रांत चौहान और सौरभ बक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। विद्या इस वक्त मनसुख हिरेन के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, बहुत सारे पेच अब सामने आ रहे हैं, रहस्य गहराता जा रहा है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, इस पूरे मामले में एक चीज और अंजना मैं बता दूं, जो सबसे अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी जानकारी मिली है कि सबसे बड़ी पेंचीदा बात यह है कि हिरेन मनसुख का जब शरीर मिला था, तो वहां पर जब उनको धोया जा रहा था, उनके शरीर के उनके मुंह से 5 हैंडकरचीफ मिले। एक शख्स 5 हैंडकरचीफ लेके सुइसाइड तो नहीं कर सकता, इस बात का अंदाजा यही बताता है कि ये जरूर किसी तरफ मर्डर का इशारा करता है। और यही बात अब पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त हमें जो हिरेन मनसुख हैं उनके परिवार के अभी फिलहाल ऊपर हैं, काफी सारे जो पड़ोसी हैं उनसे भी बात कर रही थी। सबका यही कहना है कि इस पूरा परिवार दोस्त सब यही कह रहे हैं कि ये कोई मौत जो सुइसाइड नहीं हो सकती, आत्महत्या नहीं हो सकती। 2-3 कारण वो ये बता रहे हैं कि एक सबसे पहले कि वो खुद बहुत अच्छे स्विमर थे, तो वो अगर उनको स्विमिंग आती थी तो वो अगर उनको मान लीजिए उनको आत्महत्या ही करनी है तो वो समुद्र की तरफ क्यों, पानी की तरफ क्यों जाएंगे, कुछ और रास्ता अपनाते। दूसरा ये कि उनको किसी तरह से कोई टेंशन नहीं थी, वो आराम से अपना पूरा व्यापार मुंबई पुलिस के पास भी जाना या फिर लोकल पुलिस के पास जहां पे वो जा रहे थे अपनी मिसिंग कार का कंप्लेंट को लेकर पुलिस की पूछताछ, उससे भी वो परेशान करते ही नहीं थे। उनके एक दोस्त से जो मैं बात कर रही थी वो यही कह रहे थे बार बार कि व्यापारी लोगों का तो पुलिस से बातचीत होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं थी उनको। और यही वजह है कि वो पूरा परिवार भी यही चाहता है कि बहुत अच्छे से इस पूरे मामले में जांच हो, राजनीति नहीं हो लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए। यही चीज पूरा परिवार और यहाँ पर जितने लोग हैं उनको जानने वाले यही कह रहे हैं।
बिल्कुल, और सभी को इंतजार रहेगा जांच में क्या कुछ आता है। बहुत धन्यवाद आपका विद्या हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए और अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए। 5 रुमाल तक बरामद किए गए हैं उनके शरीर से। अब सवाल यही है कि किन परिस्थितियों में आखिर क्यों शक हत्या की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत के केस की, क्योंकि NCB ने आखिरकार आज चार्जशीट दायर की है। 30,000 पन्नों की ये चार्जशीट है और इसमें शौबिक भाई रिया चक्रवर्ती के, खुद रिया चक्रवर्ती, सैमुअल, इन सबको आरोपी बनाया गया। रिया चक्रवर्ती आरोप, शौबिक चक्रवर्ती आरोप, सैमुअल मिरांडा आरोप, जैद बिलात्रा आरोप, क्षितिज प्रसाद आरोप, दीपेश सावंत आरोप, ये तो महज कुछ नाम है। सुशांत सिंह राजपूत केस में NCB की चार्जशीट में आरोपियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के 264 दिन बाद आज NCB ने मुंबई की अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है। NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद ये चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे थे। Charge sheet has been filed today 11:20 a.m. in the morning. And who is the main accused in this case? I cannot share the details. And how many pages, sir? लोहे के इन दो बड़े बड़े बक्सों में जो आप देख रहे हैं, इसमें ही भरी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ड्रग एंगल वाले मामले की चार्जशीट, जिसे आज NCB ने मुंबई की अदालत में पेश किया। अब इस चार्जशीट के बारे में भी आप जरा जान लीजिए। 30,000 से ज्यादा पन्नों की है ये चार्जशीट, 11,700 पन्नों की हार्ड कॉपी और CD के जरिए इस केस में NCB ने सारे सबूत दिए हैं। 33 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया है। इसमें रिया चक्रवर्ती और उनके कई करीबियों के नाम शामिल हैं। आरोपियों में सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े तमाम लोगों के नाम हैं। इस फहरिस्त में कई ड्रग पेडलर के भी नाम हैं। इसमें 8 लोग जेल में बंद हैं, जबकि 25 लोग जमानत पर जेल से बाहर हैं। जिन बक्सों में चार्जशीट है उन्हें 24 घंटे बाद खोला जाएगा। सभी कागजात को सैनिटाइज करने के बाद इन्हें अदालत के सामने रखा जाएगा। जिन 33 लोगों पर NCB ने चार्जशीट फाइल की है, इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिन पर अब भी इन्वेस्टिगेशन ओपन है। इस बारे में NCB ने कोर्ट को सूचित कर बताया कि इनमें से एक एक्ट्रेस हैं सपना पब्बी, जिन्हें बार बार बुलाया जा चुका है पर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर पाई हैं अब तक। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, कुछ जानी मानी हस्तियाँ हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन ओपन है और NCB उसकी जाँच कर रही है। इन सब के बारे में कोर्ट को सूचित किया गया है NCB द्वारा। चार्जशीट में इनके नाम मेंशन नहीं है पर कोर्ट को इन्फॉर्म किया है NCB ने इस ओपन इन्वेस्टिगेशन के बाद। NCB ने अपनी चार्जशीट तैयार करने में जिन सबूतों को आधार बनाया है उनकी भी फहरिस्त देख लीजिए। आरोपियों से बरामद ड्रग, आरोपियों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट, आरोपियों की व्हाट्सएप चैट, आरोपियों से बरामद भारतीय और विदेशी मुद्रा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बैंक डिटेल, इसके अलावा 200 गवाहों के बयानात को भी सबूत मानते हुए चार्जशीट तैयार की गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सरकार की 3 बड़ी ED और CBI के बाद NCB की भी इसमें एंट्री हुई थी। NCB ने हाई प्रोफाइल सितारों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। अभिनेत्री सारा अली खान को NCB ने पूछताछ के लिए तलब किया था। सारा पर आरोप था कि उन्होंने फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत के साथ ड्रग्स का सेवन किया था। NCB ने श्रद्धा कपूर को भी तलब किया। श्रद्धा पर आरोप है कि वो सुशांत के फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की ड्रग पार्टी में शामिल हुई थी। इन सभी अभिनेत्रियों से घंटों पूछताछ के बाद इनके बयानों को NCB ने अपनी चार्जशीट में सबूत के तौर पर पेश किया। इन्हें केस में आरोपी नहीं बनाया गया। NCB के मुताबिक अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। अभी इस मामले में तमाम लोगों की पहचान होना बाकी है। आगे की जांच के बाद ही NCB इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर करेगी। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। रिया चक्रवर्ती है NCB की रिपोर्ट में, चार्जशीट में आरोपी नंबर 10। जी हाँ, ED CBI सब जांच कर रहे हैं लेकिन NCB ने अपनी चार्जशीट दायर की है। मुख्य आरोपियों में रिया चक्रवर्ती, भाई शौबिक, सबका नाम है। देखिए रिपोर्ट। पिछले साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अपने फ्लैट में रहस्यमय ढंग से मृत पाए गए थे। उस वक्त रिया चक्रवर्ती उनके साथ नहीं थी। 6 दिन पहले ही उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था। सुशांत केस में शक की सुई रिया चक्रवर्ती की तरफ गई। सुशांत के परिवार ने तो साफ साफ रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है।
जांच एजेंसी को चाहिए गिरिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। 18 जून को मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे की पूछताछ की थी। 8 अगस्त को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से घंटों पूछताछ की। केस जब सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई ने भी 29 अगस्त को रिया से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जब आगे बढ़ी तो उसमें सामने आया ड्रग एंगल। ड्रग एंगल की जांच सौंपी गई एनसीबी को। एनसीबी ने जांच आगे बढ़ाई तो इस केस की रहस्यमय परतें उजागर होनी शुरू हो गईं। एनसीबी ने अब अपनी जांच की चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 10 है। एनसीबी की माने तो रिया चक्रवर्ती और उनका भाई सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया करवाते थे। सुशांत के मैनेजर और नौकरों के जरिए भी सुशांत तक ड्रग्स पहुंचती थी। 8 सितंबर को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। रिया के भाई शोविक को एनसीबी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जेल में 28 दिन बिताने के बाद रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर आई। एनसीबी को रिया के खिलाफ वोकल कार्ड का सबूत मिला है। इसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी कि रिया ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थी या फिर उसने ड्रग का सेवन खुद किया था। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर रिया को जमानत दे दी थी। विद्या के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।